अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोकैड के आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको 3D में स्टेयर्स बनाने का मेथड बताने जा रहा हूं कि हमारे पास जब कोई प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हमने स्टेयर्स कैसे बनानी है, उसका मेथड तरीकेकार क्या है, वो मैं आपको इस लेसन के अंदर इंशाल्लाह से बताने जा रहा हूँ। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, स्टेयर का जो डिज़ाइन है 3D के अंदर डिपेंड करता है ऑलमोस्ट 2D के ऊपर। वैसे तो तमाम काम 2D के ऊपर ही होता है। मैं पहले भी आपसे कहता रहा हूँ कि जैसा आपके पास 2D अच्छा बनेगा उतना अच्छा आपके पास 3D बनेगा, क्योंकि 2D ही आपके पास फाउंडेशन है 3D की। जब तक आपका 2D परफेक्ट नहीं है तो आपका काम 3D में नहीं हो सकता सही तरह से। तो इस लेसन के अंदर भी मैं आपको कुछ 2D के थ्रू, पहले मैंने ऑलरेडी कुछ मैप्स बनाकर रखे हुए हैं क्योंकि मैं आपको 2D के ऊपर काम करना बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इस लेसन में मैं आपको 3D को स्टेयर्स को उनमें कन्वर्ट करके दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने अपने पास अपना ऑटोकैड ओपन कर दिया है। हमेशा की तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आपको। अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए जिसमें आप ऑटोकैड उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 0343-901-7779 या 0347-943-0001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए देखें, यहाँ पे मैंने अपने पास कुछ मुख्तलिफ स्टेयर्स के इधर मैंने अपने पास डिजाइन बनाए। मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल स्टेयर है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल, और फिर मेरे पास एल शेप आ जाती है, मेरे पास यू शेप आ जाती है, फिर एक और यू शेप मेरे पास आ रही है, और एक मेरे पास देखें इस तरह से टी शेप आ जाती है, और ये एक राउंड विंडो मेरे पास आ रही है, राउंड स्टेयर्स मेरे पास आ रही है। तो इस तरह के पास मुख्तलिफ किस्म की स्टेयर्स हो सकती हैं। अब स्टेयर जैसी भी क्यों ना हो, बेसिक चीज़ होती है उसकी 2D। अगर आपके पास 2D उसकी बनी हुई है, 3D बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। तो आपके पास ये 2D बना हुआ है, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड उठाना है। आपने यहाँ पे इनको बाउंड्रीज लगा देनी है, तमाम लाइनों को बाउंड्री लगा देने के बाद जस्ट आप इनको 3D के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। तो इसके लिए भी आपके पास लेयर्स का बनना मस्ट है। LA मैं लेयर एंटर कर देता हूँ अपने लिए। लेयर बनाना बहुत जरूरी है आपको डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब तक आपके पास लेयर नहीं है आपका काम ठीक तरह से नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर एक लेयर बना लेता हूँ, इसका नाम स्टेप, स्टेयर्स वगैरह जो मर्जी आप रखना चाहते हैं, और इसको एक कलर डिफाइन कर देता हूँ कि मुझको दिखाई दे मेरे पास मेरी लेयर का कलर कौन सा है। मैंने इसको ये कलर दे दिया और मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। अब इधर एक्टिव के ऊपर क्लिक कर दें इसे, अब आप इधर आ जाएं, आपके पास ये है, ठीक है। और ये जो आपके पास पुरानी वाली लेयर्स हैं, यानी कि ये आपके पास जो भी लेयर है इसको आप ब्लॉक करना चाहे ब्लॉक कर सकते हैं LA। तो मैं मेरे पास जो जीरो लेयर है इसको मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा से मैंने जीरो के अंदर बनाई थी, और इसको भी लॉक कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये इधर बने हुए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनके अंदर बाउंड्रीज बना देता हूँ। तो बी ओ फॉर बाउंड्री आप लगाओगे अपने पास, बाउंड्री में जाए पिक पॉइंट कर दें, एक पॉइंट दो, देखिए ये जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आपको लाजमी अलहदा से बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है। मैंने ये कन्वर्ट कर डाला तमाम ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाएं, यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी आप बाउंड्री कर दें। मैं अगेन बाउंड्री में चला जाता हूँ, यानी कि प्रोसेस यही है हर एक स्टेयर्स को 3D में कन्वर्ट करने का। सबसे पहला काम जो होता है आपके पास वो बाउंड्री होता है, आपने इसको बाउंड्री दे देना है, देन फिर आप आगे तरफ निकलेंगे। ठीक है, मैंने अभी इन दोनों के ऊपर काम करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा। और आप क्या करें, अपने एस्टिमेटेड व्यू के अंदर चले जाएं, यानी कि आप अपने आपको 3D व्यू के अंदर लेकर चले जाएं। अब आप एक पॉइंट पर आ जाएं यहाँ पे, अब मैं इसको एक्सट्रूड EXT एक्सट्रूड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये दोनों सिलेक्शन की, यानी कि मैं पहले एक स्टेयर को सिलेक्शन कर देता हूँ, ये मैंने इसको सिलेक्शन बना दी है, ठीक है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब मुझे इसकी हाइट देनी है, यहाँ पे मुझे कितनी हाइट चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए जो आपका स्टेप होता है इसकी हाइट क्या होती है। तो मैंने आपको ये चीज़ें एलिवेशन और सेक्शन के अंदर भी बता दी थी। आपके पास जो इनकी हाइट होती है वो आपके पास सिंपली 7 to 8 inch तक होती है, ठीक है, 6 से लेकर 8 inch तक होती है। तो मैं इसे 7 inch की हाइट दे देता हूँ।
मैंने इसको 7 इंच की हाइट डिफाइन कर दी और मेरे पास ये इसकी हाइट आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाए, इसको आप शेड के अंदर ले जाएं, मैं इसको शेड व्यू के अंदर दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, एक एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है और ऊपर लेके जाना है। एक एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे और उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब अपने पास मूव का फंक्शन यूज करते हो, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अच्छा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक छोटी सी मिस्टेक कर चुके हैं। वो गलती क्या है, देखिए जब मैं सिलेक्शन देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ये आपके पास अलग से सिलेक्शन हो रही है। आप इसको मूव कर दें ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ ऊपर की तरफ, देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखें मेरे पास क्या हुआ, एक अलग से सरफेस मैंने यहाँ पर स्लाइड कर डाला था। ठीक है, अब मेरे पास ये मिस्टेक क्या हुई है, देखिए इसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए आपके पास एक अलग सा सरफेस आ जाता है यहाँ पे, और यही सरफेस आपका यहाँ पे साइडों पे भी है, हर जगह पे। देखिए आप इसको मूव करके बाहर लें तो ये आपके पास एक मिस्टेक हो चुकी है। अब इस मिस्टेक को मैं कैसे कवर करूंगा, क्या मैंने गलती की थी यहाँ पर, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। देखिए जब हम लोग बाउंड्रीज अपने पास बना लेते हैं, मैंने लेयर को लॉक तो किया है लेकिन जो पुरानी लेयर थी उसको मुझको ऑफ करना भी मस्त था। देखें ये ठीक है, मैंने ये यहाँ पे इसको बाउंड्रीज तो बना दी है। ठीक है, अब आपने करना क्या होगा, एक मरतबा लेयर के अंदर जाना होगा, लेयर स्टेप के अंदर चले जाएं और जीरो वाली को आप ऑफ कर दें, जिसके अंदर आपके पास मैप की असल कॉपीज मौजूद है। ठीक है, असल कलेक्शन जो है मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब आप इधर आ जाएं, EXT एक्सट्रूड कर दें, आप इसको सिलेक्शन दे दें इस एरिया को, ये मैंने एरिया सिलेक्शन दे दिया है, एंटर करें और इसको जस्ट आप इसको 7 इंच की हाइट दे दें। तो अब देखें मेरे पास वो, जब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, वो मेरे पास जो डॉटेड लाइनें थी, जो मेरे पास सरफेस एक बन चुका था लाइन का। बेसिकली हुआ क्या था, जो मेरे पास नीचे लाइनें होती हैं जब आप एक्सट्रूड कर देते हो तो ये लाइनें भी आपके पास सरफेस की फॉर्म में ऊपर आ जाती हैं। देखें तो उसमें ये हुआ था, मेरे पास ये लाइनें भी ऊपर आ चुकी थी और मेरी पॉली लाइन के ऑब्जेक्ट्स भी ऊपर बन चुके थे, उस वजह से वो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ी। बहरहाल आप उसको डिलीट कर दें। अच्छा, जब आपके पास ये शेप बन जाए तो आपने करना क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को उठाकर ऊपर लेकर चले जाना है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं, आप मूव का फंक्शन स्टार्ट करेंगे, आपने एम लगाया, पहली वाली को छोड़ें दूसरी पर आ जाएं, आप इसको पिक करें यहां से उठाकर इसके दूसरे स्टेप पे ले जाएं, एक अगेन इधर आ जाएं, इसको पिक करें नीचे से फिर ऊपर की तरफ लेकर चले जाएं, अगेन आप इधर आ जाएं, फिर इसको आप पिक करें नीचे वाले पॉइंट से इधर ऊपर वाली तरफ आ जाएं। तो ये चीज आपने स्टेप बाय स्टेप्स कर देनी है। जब भी आप कोई सीढ़ी बनाओगे, आप स्टेयर बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ये बस ख्याल रखना होता है बस। ठीक है, बाकी आपका वही 2D का डिजाइन होगा, 2D का मैप होगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जा सकते हो। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देता चलूं, क्योंकि मेरी कोशिश है हर मैप के अंदर, हर लेसन के अंदर आपको मैं एक्स्ट्रा टिप भी साथ में देता चलूं। जब आपके पास एक ही सेम डायरेक्शन निकल रही है आपकी स्टेयर की, जैसे देखिए ये बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर जा रही है, तो आप कॉपी कर सकते हो किसी भी लास्ट वाली को, मैंने इसको कॉपी किया, एंटर कर देता हूं। इसका बस आपको बेस पॉइंट के नीचे वाला बनाना है, आपने पॉइंट बनाया और आप एक एक क्लिक करते जाइए यहां पे, आपने एक क्लिक इधर किया और दूसरा क्लिक आप अगेन इधर कर दें, F8 को ऑफ कर दें, आपके साथ साथ माउस को चले, ये देखें बस एक को कॉपी बनाए और स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ क्लिक करते जाएं, एक को कॉपी बनाया हुआ है और तरतीब से मैं आगे की तरफ क्लिक करता जा रहा हूं। बस आप अपने पास नंबर गिन लें, आपके पास कितनी हाइट पर वो जा रही है स्टेयर्स, लेट्स से हमारे पास ये हाइट हमारी पूरी हो चुकी है, तो ये मैंने इसको बना डाला। ठीक है, ये मैं से यहां पर एंड कर देता हूं, तो देखें मेरे पास ये इधर एंड हो जाती है। तो अब हम इसका शेड देख लेते हैं, मैं शेड के ऊपर जाता हूं, इसमें शेड देता हूं, तो अब देखिए मेरे पास इसका शेड दिखाई दे रहा है। दूसरा से आप इसको कॉपी करके भी आगे तरफ लेकर जा सकते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हुए मिडिल माउस बटन को प्रेस कर दें, तो देखिए ये आपके पास आपकी बिल्कुल एक सिंपल सी स्टेयर बन चुकी है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा जो मेरे पास इधर ये लाइनें आ रही हैं, जो मेरे पास बॉक्सेस आ रहे हैं नीचे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स को। सही, अच्छा वापस आप इधर आ जाएं इसका यहाँ पे। अब ये जो दूसरी वाली है, अब इसमें टर्निंग पॉइंट मौजूद है यहाँ पे, तो इसको भी EXT एक्सट्रूड लगा दें, आप इसको सिलेक्शन दे दें तमाम को, हत्ता कि जो मिडिल वाला होता है इसको तकरीबन आपके पास, अब जो आप हाइट इसे देंगे तकरीबन मिडिल वाले को, ये इसको आप 4 इंच की दे दें, लेकिन मैं सबको यहाँ पर इक्वली देता हूँ 7 इंच की। ये मेरे पास 7 इंच, सॉरी मैंने इसको 7 इंच देना था,
ये मैंने इसको 7 इंच की हाइट दे दी है, मेरे पास ये 7 इंच पर चला गया है। अब आप स्टेप बाय स्टेप इसको भी मूव करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास आगे टर्निंग पॉइंट मौजूद है, तो आप एक को उठाएं और इसको दूसरे के ऊपर लेकर चले जाएं, ठीक है। इस तरह से वापस आप मूव के ऊपर चले जाएं, मूव नीचे वाला पॉइंट पकड़ें और इधर ऊपर की तरफ आ जाएं, ठीक है। अगेन मूव के ऊपर चले जाएं, फिर इधर आप सबसे नीचे एंड पे क्लिक करें और इसको इधर टॉप पर लेकर आ जाएं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एक ऑब्जेक्ट को अपने हाथों के साथ, आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आपने इसको हाथों के साथ एक एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। तो मेथड भी इसका यही है, सिंपल मेथड है ये सबसे। इसके अलावा एरे वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो सिंपल फंक्शन है आप इसको यूज़ करना सीखें। आप एक एक स्टेप इसे देते जाएं तो ये आपके पास ऊपर होता जाएगा। फिर आप मूव के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे एक एक स्टेप आप इसको देते जाएं, ऊपर की तरफ ये आता जाएगा। यहाँ पर इसको एक स्टेप दे दिया, फिर इधर आ जाएं आप, यहाँ पे सिंपल आप एक पॉइंट से पिक करें और यहाँ पे आप इसे दूसरा पॉइंट दे दें। ये मैंने इसको दूसरा पॉइंट दे डाला, फिर आप इधर आ जाएं, क्लिक कर दें, अगेन आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इसे भी पॉइंट दे दें और उठाकर ऊपर लें। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अगेन आप इधर आ जाएं, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन दे दिए, लास्ट पॉइंट को पिक करें, उठाकर आप इसको इधर टॉप पे ऊपर लेकर आ जाए, यहाँ पे मैं इसको लेकर आ गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने जाना है, शिफ्ट को प्रेस करते हुए माउस बटन मिडल बटन को आप घुमाएं, तो देखिए ये आपके पास रोटेट का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ये आपके पास हो चुका है, अब आपको जो पॉइंट चाहिए वो एक्टिव करें। अगेन आप मूव के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आप ये एंड पॉइंट उठा लें और इधर आ जाएं, यहाँ पे ये एंड पॉइंट दे दें आप इसे, ठीक है। फिर आप इधर आ जाएं, फिर लास्ट पे आप क्लिक करें, फिर आप इसका एंड पॉइंट उठा लें यहाँ से और यहाँ पे इधर आके इसके लास्ट पॉइंट पे क्लिक कर डालें। तो स्टेप वाइज ऐसे नहीं करना चाहते आप शेड को एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को लाइट कर रखना चाहते हैं, देखें अभी मेरे पास इजीली मूव हो रहा है, इधर आ जाए। अब फिर वही बात है, अगर आप इसको यहाँ से आके कॉपी बनाना चाहें, क्योंकि अब आपके पास, आपको मालूम है कि आपके पास यही डायरेक्शन आगे जा रही है, तो आप इसको कॉपी बना के आगे लेकर जा सकते हैं। बार बार एक ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर लें, उसको आप आगे की तरफ लेकर जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हो आगे। मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, फिर इधर आ जाते हैं हम लोग। मैं इसको उठाकर ऊपर की तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर आप इधर आ जाएं यहाँ पे, फिर मैंने इसको पिक किया, इसको मैं इधर उठाकर ऊपर की तरफ ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वापस आप इधर आ जाएं, फिर एक आप सिलेक्शन दे दें, फिर आप इसको उठाकर ऊपर की तरफ ले आएं। देखिए इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जब काम करते हैं तो आपके पास आपकी 3D भी बन जाएगी और आपका काम भी बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगेन मैंने इसको शेड डिफाइन कर दिया है। अब अगेन आप शिफ्ट को प्रेस करें होल्ड रखते हुए, माउस मिडल बटन देखें, ये रहा आपका, ये देखिए आपके ये स्टेयर्स जो हैं, जो भी आपने हाइट दी है वट एवर, क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइट इसको जो है जस्ट आपको एक प्रोजेक्ट समझाने के लिए किया हुआ है। देखिए आपके पास ये स्टाइल इसका इधर से निकल कर आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अच्छा इस तरह से वापस में इधर आ जाता हूँ, इसके अपने एस्टिमेटिव व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं अब यहाँ से जो मेरी दूसरी लेयर्स हैं उनको मैं ऑन कर देता हूँ, एल ए एंटर कर देता हूँ कीबोर्ड से, एल ए, मैंने एल ए एंटर किया और मैं अपने पास जो मेरी लेयर्स है इसको मैं ऑन कर देता हूँ जहाँ पर मेरे मैप पड़े हुए हैं और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए ये चीज है। अब ये स्टूडेंट्स इसी तरह से जो आपके पास, यह मैं इसका लॉक भी अनलॉक कर देता हूँ, अच्छा अब मेरे पास ये शेप आ चुकी है। अब सेम इसी तरह से आपको यहां पर भी बाउंड्री ड्रॉ करनी है हर एक जगह पे। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी लेयर को ऑफ भी कर देंगे और इसको लॉक भी कर डालें। इस तरह से सेम यहां पर भी आप काम करोगे। और ये जो दो स्टेयर्स हैं, चलिए ये भी मैं आपको बना के देता हूँ, ये वाली स्टेयर आप कैसे बनाएंगे, देन फिर राउंड वाली आप कैसे बनाओगे। तो हम इधर आ जाते हैं, अगेन बाउंड्री लगा दें, पीओ फॉर बाउंड्री, आप ऑलरेडी जो मौजूद हो वो किस में हो, स्टेयर वाली लेयर के अंदर है, तो आप क्लिक कर डालें यहाँ पे।
तो कोई भी डिजाइन हो लेयर्स स्टेयर्स का, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना यह है कि आपके पास जा रही किस तरह। अब देखिए यहां पर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास यहां पर ठीक तरह से लाइनें मेरी इस तरफ एक्सटेंड नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इनको मैं इजिली कवर कर दूंगा। आप भी देख लीजिएगा, ये भी ट्रिक अगर आपके साथ हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास है, ठीक है। अब मैं अगेन लेयर के ऊपर चला गया, तो मैं बात ये कर रहा था, आपके पास कोई भी स्टाइल क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, जस्ट आपने देखना ये होता है कि आप जो चीज काम कर रहे हो, जो चीज आप बना रहे हो, उसका सही मेथड क्या है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रूड कर दें, उसका 2D क्या है, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ अगेन, 7 इंच की हाइट पे, मैंने इसको 7 इंच की हाइट पे हाइट दे दी इसकी, ठीक है। ये मैंने इसको बना डाला, और अगेन मैं इधर से एक एक ऑब्जेक्ट को मूव करता जाऊंगा अभी, ठीक है। अब मूव पे आ जाए, मैं इसको हिड इन व्यू देना चाहूंगा, हाइट व्यू, इधर आ जाए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को पिक करें, उठा के सीधा उसके दूसरे ऊपर के ऊपर ले आए, अगेन इधर आ जाए यहाँ पे, फिर एक ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करें, उठाकर सीधा आगे वाले के ऊपर क्लिक कर दें, तो सो ऑन। अब ये चीज आपने स्टेप बाय स्टेप सीधा क्लिक कर देनी है। अब ये जो आपके पास, जब इस तरह से आपके पास कर्व में आ जाती है कोई भी कट्स, इसके लिए फिर आपको कॉपी नहीं करना होता, इसके लिए आपको एक एक स्टेप को ही मूव कर कर इसके ऊपर लाना होगा, ये याद रखिएगा। अगर आप ये समझेंगे, कहेंगे ठीक है हम कॉपी चला लेंगे, तो ऐसा आपके पास नहीं हो सकता यहाँ पे। फिर ये है, एक एक ऑब्जेक्ट को उठाएं और ऊपर लेकर आ जाएं, एक एक ऑब्जेक्ट को पिक करें और ऊपर लेकर आ जाएं, ये देखिए। टाइमिंग कंज्यूम काम है आपका, यहां पर आपका लाजमी आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जब आप काम करोगे। अब मेरे पास इसलिए स्लो काम हो रहा है, बेसिकली सिस्टम रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत फर्क है, उस वजह से। ऑटोकैड के लिए आपके पास नियर अबाउट 3 to 4 GB रैम हो तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, यहाँ मेरे पास रैम प्रॉब्लम है। एनी हाउ आप एक एक क्लिक करते जाएं यहाँ पे और इसको उठा के ऊपर की जानब लेकर आते जाएं, अगेन इधर आ जाएं यहाँ पे, फिर मूव पे गए आप, एक पॉइंट दे दिया और इसको ऊपर ले आए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट डिफाइन करते हैं, फिर आप इधर आ जाएं यहाँ पे, एक एक को पॉइंट देते जाएं और इसको इधर क्लिक कर डालें, अगेन मैंने इसको पॉइंट दे दिया है, इसको उठाकर मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, देखिए तो ये आपके पास खुद बहुत आपका स्टाइल बनता जाएगा। अब फिर इधर आ जाएं, इसका लास्ट पॉइंट पिक कर ले और इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर आ जाए, ठीक है जी। अब मुझको दूसरी तरफ देखना है, शिफ्ट को प्रेस करते हुए माउस मिडल बटन प्रेस कर दें, तो ये देखिए आपके पास ऑर्बिट आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से ये ऑर्बिट वगैरह भी उठा सकते हो, इधर से भी यूज कर सकते हो इसको। अगेन आप मूव करेंगे एक को, सबसे नीचे वाले को, और यहाँ पे आप इसको लाकर क्लिक कर दें, इस जगह पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है जी। फिर आप इधर मूव के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे इधर क्लिक कर डालें, फिर इधर आ जाएं जी, इसको यहाँ से और इसको इधर ले आए जी, यहाँ पे ले, ठीक है। तो एक एक क्लिक आपने यहाँ पे कर देना है, उठाएं इसको और इधर ऊपर क्लिक कर दें, अगेन उठाएं इसको, नीचे वाले को और इसके यहाँ पे क्लिक कर दें, तो अब एक एक को क्लिक करना होगा ऐसे, फिर आप इधर आ जाएं, उठाएं एंड वाले पॉइंट को और यहाँ पे लाके क्लिक कर दें, आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अपने माउस को आप दाएं से बाएं थोड़ा सा घुमा लें प्रोजेक्ट को। अब मैं ये कह रहा था आपके पास ये शेप आपको उस तरफ लेके जानी है, तो आप क्या करेंगे, सोचें शाबाश, मिरर MI, आपके पास मिरर की कमांड मौजूद है, सिंपल आपने इनको सिलेक्शन दे देना है अपने ऑब्जेक्ट्स को, ये मैंने सिलेक्शन दे दी, नीचे वाले को अनसेलेक्ट कर दें ये, ठीक है, और इसे एंटर कर डालें। एंटर कर देने के बाद आप मिडिल पॉइंट ढूंढें इसका, ये आपका मिडिल है, F8 प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, और कहीं भी आगे आके क्लिक कर दें, क्लिक कर दें और इसे एंटर कर दें। अब आप कुछ जाकर देखें तो आपके पास दोनों तरफ को ये शेप बनी हुई आ चुकी है, ये देखें,
ये रही आपके पास ये वाली स्टेयर्स। अगर इस तरह की स्टेयर्स आ जाए तो टारगेट एरिया जो भी होगा आपको इसके ऊपर लगाना होगा। आप उधर इसको इजीली वहां पर आप इसको जाकर लगा सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप अपनी स्टेयर्स को लगा देते हो, इस तरह से आप अपनी स्टेयर्स वगैरह यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, आपको अगेन में यहाँ पर शेड इसका दिखाई देता हूँ। मेरे पास जो इसका शेड बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रही है ये शेप, लुक ये। ठीक है, अक्सर आपने ऐसी स्टेयर्स वगैरह देखी होगी ये चीज। अच्छा, इस तरह से अगर मेरे पास कोई राउंड है तो मैं उस राउंड को कैसे बनाऊंगा, यानी कि अगर मेरे पास कोई राउंड स्टेयर आ जाती है उसको मुझको कैसे बनाना होगा, उसका मेरे पास तरीकेकार क्या होगा, 2D और 3D दोनों के दरमियान आपको बता देता हूँ। आप इधर आ जाएं, यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ, बल्कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं LA के अंदर जाके ये तमाम लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम मैंने जस्ट बता दिया आपको, क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल सी। मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, लेयर वन से नाम रहने देता हूँ, उसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये मैंने इसको ऑन कर दिया, लेयर वन को आप ऑन कर दे, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अगर हमने इसको 2D के अंदर बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे इसे, और फिर हम इसको 3D के अंदर कैसे कन्वर्ट कर देते हैं अपनी लेयर को, अपने राउंड शेप को। एक सर्कल ले लें, सर्कल की वैल्यू दे दें, लेट से मुझको जो एक स्टेप बनाना है उसकी जो मेरे पास विड्थ होनी चाहिए नियर अबाउट 3 फिट्स एंड 6 इंच मस्ट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 फिट्स एंड 6 इंच टाइप कर दें, ये आपके पास आ गई। अब एक लाइन उठा लें आप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप एरे का यूज करेंगे, AR array, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें, एंटर कर दें, कहता है कौन सा एरे आपने लगाना है, तो पोलर एरे मुझे यहाँ पर यूज करना होगा। सेंटर पॉइंट आपको डिफाइन करना होगा, मैंने सेंटर पॉइंट भी डिफाइन कर दिया। अब आप इधर ऊपर आ जाएं, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम तो मैं इसे देता हूँ 17 दे देता हूँ, आप इसको 17 दे दिए और टैब लगा दें, या आपके पास 17 आ चुके हैं और टैब आपने लगा दिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लिक करें तो आपके पास ये ग्रुप बना हो तो एक्स एंटर कर दें, यानी कि आपने इसको एक्सप्लोर कर देना है हर एक ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे वही काम आप दोबारा से करेंगे, आपके पास ये एक लेयर में कन्वर्ट होना चाहिए और इसको बाउंड्री आपने लगा देनी है। ठीक है, तो मैं इसको एक लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दे, ऑलरेडी मेरे पास एक लेयर है उसके अंदर ये कन्वर्ट है, लेकिन मैं जो काम करूंगा मैं दूसरी लेयर के अंदर रहकर करूंगा इसका काम। ठीक है, तो उसके लिए अगेन मैं अपने पास अपनी जो मेरी ये लेयर है मैं एक्टिव कर देता हूँ, इसको मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से, और स्टेप वाली को मैं एक्टिव कर देता हूँ। ये मैंने स्टेप वाली लेयर को एक्टिव कर दिया है और इस लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये अब आप इधर क्या कर देंगे, इसको भी यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट में बनाना भूल गया था, सेंटर पॉइंट आप बना ले पहले। यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग इसके मिडल पे, और ये मैं खुद ही बना लेता हूँ, मुझे तकरीबन 3 और 2 इंच का आप इसे दे दें रेडियस, मैंने इसको 3 2 इंच का दे दिया। ठीक है, अब बी और फॉर बाउंड्री लगा दें इसे, पिक पॉइंट पे जाएंगे आप यहाँ पे, तो हर एक जगह पे जाकर ये पिक पॉइंट दे दें आप। पिक पॉइंट दे दिया, एंटर कर दें आप इसे, आपके पास ये आपका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगेन एक सर्कल ले लें, यहाँ पे मैं इस सर्कल को यहाँ पे लगा देता हूँ, और अब अपने एस्टिमेटिक व्यू पे चले जाए, अब एस्टिमेटिक व्यू पे आ गए। अब आपके पास ये है, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सर्कल है इसको आपने ऊपर इसकी हाइट दे देनी है, जो हमें यानी कि बिल्डिंग की टॉप तक हमें जितना जाना होगा। तो मैं इस सर्कल की जो हाइट देना चाह रहा हूँ वो मैं इसे देना चाह रहा हूँ यहाँ से कितना, तकरीबन मैं इसे 10 फुट और 6 इंच की हाइट देना चाह रहा हूँ। तो आप लेयर में जाएं, इस लेयर को आप ऑफ कर दें, जो आपकी लेयर वन है जिसके अंदर मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रॉ किया था, ये मेरे पास आ गई। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएं, इसके मिडल पर आ जाएं, इसको आप कितनी हाइट देना चाहेंगे, 10 फीट एंड 6 इंच, तो ये मेरे पास हाइट इसकी आ चुकी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, EXT एक्सट्रूड लगा देना है, अंदर अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप सिलेक्शन दे दें और एंटर कर दें। इन सबको आपने जो हाइट देनी है सेम 7 इंच की आपने इनको हाइट दे दी है,
यहाँ पे एक सर्कल था वो सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दें इसे, ये रहा, ये सिलेक्शन दे देता हूँ, एनी हाउ ये खुद हो जाएगा। अच्छा अब आपने करना क्या है, अब आप इसे मूव कर देते हो किसी एक लेयर, किसी एक स्टेप को आप मूव कर दें जहां से आपने स्टार्ट करना है, दूसरे को मूव कर दें उसके ऊपर ले जाएं, देन थर्ड वन को मूव करें, इसको भी उठाकर आप इसके ऊपर ले आए। इस तरह से आपको एक एक ऑब्जेक्ट को मूव कर देना होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये रहा, फिर आप इधर पीछे आ जाएं, यहाँ पे इसको मूव कर दें आप, आपने क्लिक किया, इसको आप जैसे पिक कर दें और उठाकर आप इसको इधर ले आए, तो एक एक ऑब्जेक्ट को स्वान देखिए जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये इधर आ गया। अगर आप 3D में हैं तो अपने ऑर्बिट को यूज करते हुए घूमते जाएं साथ साथ इसके, एक एक ऑब्जेक्ट को उठाते जाएं। फिर एक ऑब्जेक्ट उठा लें आप, इस तरह से आपके पास आपकी ये राउंड स्टेयर बनती जाएगी। ये देखिए और केयरफुली क्लिक करना है आपने कि मिस क्लिक ना हो उसे। ये रहा, फिर आप इधर मूव के ऊपर आ जाए, फिर इस तरह से इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ मुझे कोई गलत क्लिक ना हो, ठीक है, ये रहा, और फिर आप इसे मूव लगा दें यहाँ पे, मूव कर दिया, उठाकर इसको इसके ऊपर ले। अब स्टूडेंट्स मेरे पास एक स्टेप यहाँ पर मुझे कम होता दिखाई दे रहा है, मैं आपको शेड दिखा देता हूँ इसका, आप शेड में भी देखें, आपके पास यहाँ पे इस पाइप के ऊपर चलता चलता इस पाथ के ऊपर चलता है, यहाँ पर एक स्टेप कम आपको दिखाई दे रहा है, तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए, आप कॉपी करें इसे नीचे वाले को सबसे, क्योंकि आप यही स्टेप आपके पास ऊपर आ जाएगा, अगर आपको मजीद ऊपर जाना है आप पूरे को कॉपी करके इसके ऊपर ले आए तो आपके पास एक नई ऊपर ये नीचे ऊपर मजीद ऊपर जाता हुआ आपको ये दिखाई दे देगा शेप, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये स्टेयर आ चुकी है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा मैं आपको मसला बता देता हूँ कि हमें इसकी रेलिंग बनानी है तमाम स्टेयर्स की, तो मैं आपको सबसे पहले राउंड स्टेयर्स की रेलिंग बना के दे देता हूँ, फिर आपको दूसरी बना कर देता हूँ, ठीक है। अब राउंड स्टेयर की आप रेलिंग कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आपको इसके लिए जाना होगा अपने सही वाले व्यू के अंदर, आप आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इस व्यू पे आ जाएं। अब यहाँ पे आपको जब आप इसके लिए रेलिंग बना रहे थे, फिर आपको इसको जब स्टार्ट करना था उस वक्त ये चीज आपको अपने माइंड के अंदर लाजमी बिठानी चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपके पास इधर यहाँ पे बनाया कि हमारे पास ये यानी कि सिंपल अगर हम ये स्टेयर बनाएंगे तो इसको ऐसे बनाया जाता है, लेकिन जब आप साथ में ये भी डिसाइड कर देते हो कि हमने इसके साथ रेलिंग भी बनानी है, तो फिर आप क्या करें, फिर आपको कंट्रोल जी करना होगा, वापस पीछे जाएं, एक छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा आपको उठाना होगा इसके साथ, क्योंकि इसके बगैर ये इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती। मुझे यहां तक आना था, ये मुझे ये शेप चाहिए थे, अगेन मैं आपको शेड दिखाई देता हूं कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, मुझे वापस इस जगह पर आ जाना है जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। आप क्या करें, अपने पास एक रेल बना ले, मैं इस मरतबा सिंपल एक सर्कल बना लेता हूं 1 इंच का, और इसको एक्सट्रूड कर देता हूं, हाइट जो मैं इसको देना चाहूंगा नियर अबाउट 3 फीट, और आप इधर आ जाए शेड के ऊपर आ जाए, और इसको आप जैसे मूव कर देंगे, मैंने इसको पिक पॉइंट किया सेंटर का, और यहां पर आ जाए इसके मैं सेंटर में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर पे आपने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा आगे तरफ मूव कर देंगे, इसकी आपने यहां से ही, ये सबसे इजी मेथड है बनाने का, आप इसको यहां से ही इसका लोकेशन बता देंगे आपने इसको कितने फासले पे लगाना होगा, कहाँ कहाँ लगा। अब मैं नॉर्मल से और आगे करना चाहता हूँ, तो आप सेलेक्ट कर डालें इस ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट किया इसको जैसे पिक करके इसका सेंटर पॉइंट में से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास हो चुकी है, और ये आपके पास 17 है। आप अगेन AR array लगा देंगे, इस मरतबा आपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये बना देना है,
मैंने सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर देता हूँ। पॉलर ही चाहिए आपको, आपने पॉलर ही ले लेना है। सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो इस मरतबा में ये टॉप पे जाकर इसका सेंटर पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम जब पूछेगा आपसे, तो आपसे कितने देंगे, 17 का आइटम आपसे दे देते हैं, ठीक है। और उसे आप एंटर कर डालें, तो देखिए आपके पास ये बने हुए आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास ये आगे बने हुए, आप एक एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब आपने करना क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, एक एक को मूव करना है। अगेन जो मैंने अभी अभी प्रोसेस खत्म किया था, आप दोबारा से वही प्रोसेस मूव वाला उठाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, दोनों को मैंने क्लिक किया, और इसको उठाएं, उठा के इसके ऊपर लेकर आ जाएं। यहाँ पे मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, देखें अपनी स्टेप्स को आप देख लें, ठीक है। और इसको शेड में कन्वर्ट करते हैं आप अगर, तो बेहतर रहेगा। इसको अगेन शेड में देता हूँ। देखें मैंने एक ही प्रोसेस को दो मरतबा रिपीट किया है। रिपीट करने का मकसद क्या है, सिर्फ ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ सिखाई जाए दोनों तरह से। यानी कि अगर आप एक तरह से करेंगे उसको कैसे करना है, फिर आप उसको दोबारा से उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो वो कैसे करनी है। बहरहाल मेरा मकसद तो ये है यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट दोनों पॉइंट आपको बताए जाएं यहाँ पे, ठीक है। फिर आप इसे पॉइंट दे दें यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाएं, मूव पे क्लिक कर दें इधर, और इधर इसके टॉप पे लाके क्लिक कर दें, ठीक है। अब देखिए आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, शिफ्ट और मिडल माउस का बटन का आप यूज करेंगे यहाँ पे। फिर अगेन आप मूव पर आ जाएं, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, नीचे से उठाएं, उठा के इधर ऊपर क्लिक कर दें, इधर आ जाएं, ये दोनों सिलेक्शन दिए, इसको इधर से उठा लें आप, और सीधा उसे क्लिक, सिलेक्शन गलत पॉइंट हो गया। फिर मूव, इसको आप सिलेक्शन दे दें, उठाएं इस पॉइंट्स को, उठाकर सीधा इधर लेकर आ जाएं। अगेन यही बात आपने, बस यही चीज़ आपने बार बार अब रिपीट कर देनी है। उठाएं इस चीज को, उठाकर इसके ऊपर क्लिक कर डालें यहाँ पे, ये वाले से क्लिक कर, अगेन इधर आ जाएं आप, फिर इसको उठा लें और सीधा इस पॉइंट पे लाकर क्लिक कर दें, फिर इधर आ जाएं, उठाएं इस पॉइंट को आप, इधर से आप इसे पिक कर दें इस कॉर्नर से, और सीधा टॉप पे यही पॉइंट आप दे दें, ठीक है। तो सुवान, फिर मूव कर दिया मैंने इसको यहां से, मूव एम एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, एक पॉइंट ये दे दें इसे, एम एंटर किया, ये सिलेक्शन दे दी, एंटर कर दे, ये पॉइंट उठाया, उठा के मैं इसके सीधे इस कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर अपने आप को माउस और मिडल बटन के थ्रू आप इसे दाएं से बाएं मूव कर सकते हैं। ये अब देखिए मेरे पास ये इधर गलत आ चुका है, ऊपर मूव गलत हो चुका है, तो इसलिए मैं इसे कंट्रोल जी कर देता हूँ। मेरे पास ये दो पॉइंट सेलेक्ट हो गए थे, तो याद रखिएगा मिस्टेक कोई नहीं करनी है आपने। एम एक पॉइंट ये रहा और दूसरा ये रहा, इंटर, उठा लें इस पॉइंट को इस जगह से और सीधा इधर लाके क्लिक कर डालें ये। अब अगेन आप इसको शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन के थ्रू इसको मूव करें, ये देखिए, ठीक है। ये एक बहुत आसान तरीका है ऑर्बिट का। फिर आपने इसको मूव कर देना होगा, एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट दे दें, उठाएं इसको एक पॉइंट एंड से, और ये मैंने इसको पॉइंट दे दिया, और देने के बाद आप इसके अंदर टॉप पे लाके क्लिक कर दें, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप एक एक को सिलेक्ट करते जाएं, उठा लें इसको एक पॉइंट दे दें और ऊपर की तरफ निकल जाएं और एक क्लिक यहाँ पे कर दें, ठीक है, ये रहा। फिर आप एक पॉइंट दे दें इसको, ये मैंने इसको पॉइंट दे दिया सिलेक्शन, एक पॉइंट दे दें, ऊपर की तरफ निकल कर चले जाएं और ऊपर क्लिक कर दें, तो ये आपके पास मेथड अगेन अगेन आप यूज़ करेंगे, ठीक है।
3D के लिए बेहतरीन तरीका है आपको इसके ऊपर मुसलसल प्रैक्टिस करना, मुसलसल मेहनत करना, फिर आप उसकी जल्दी सीख पाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास ये तो ड्रॉ हो चुका है, अब जो मेरे पास नेक्स्ट चीज है वो क्या है, इसके ऊपर मुझे रेलिंग लगानी है। जब तक मेरी इसके ऊपर रेलिंग नहीं लगेगी, यानी कि इसके ऊपर मैंने एक रेल लगाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? तो उसके लिए आप इसको ऐसे बना लें जैसे मैंने बना लिया, और आप चल जाए यहाँ पे 3D पॉलीलाइन पे। 3D पॉलीलाइन को लें। 3D पॉलीलाइन लेने के बाद आपने करना क्या होगा, ये जो आपका रेल है इसके प्लस पॉइंट पे आप क्लिक कर डालें, सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, सेंटर पे क्लिक किया, नीचे आ जाए, इसके इफेक्ट को ऑफ कर दें, आप नीचे वाले पॉइंट्स पर आ जाए, यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट और इसके थ्रू आप इसका पॉइंट ढूंढने के। अभी स्ट्रिट्स वापस आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पर आ जाएं। सॉरी, मैंने पहले टॉप से शुरू किया था, एंड पॉइंट पर आ जाएं यहाँ पे। और इसको आप बेहतर ये है, इसको आप शेड दे दो, 2D वायर फ्रेम में ले आओ इसे, आपको मालूम हो कि आप किधर क्लिक कर रहे हो। ठीक है, और 3D पॉलीलाइन पे आ जाएं यहाँ पे, और इसको एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक इस प्लस पे कर दें। अब जिधर जिधर की आपको प्लस पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वहां वहां, यानी जैसे आप अपने माउस को इसके ऊपर लाएंगे बॉक्स के ऊपर, देखिए ये ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना होगा। ये देखिए, ये जहां जहां आप क्लिक करते जाओगे वहां वहां, जहां से गलती जाए अनडू इंटर कर दें, यू इंटर, अगेन अपना पॉइंट परफेक्ट बना लें, ये फिर ये पॉइंट दे दिया, फिर इसको ये पॉइंट्स दे दें। तो इस तरह से बिल्कुल तरतीब के साथ आप क्लिक करते जाएं यहाँ पे, और एक क्लिक इधर कर दें। ठीक है, अब आगे की तरफ रास्ता नहीं है, स्केप कर देता हूँ मैं इसे, मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन चुका है। शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप इधर घुमाएं, देखिए आपके पास ये पाथ आपके बिल्कुल परफेक्ट एरिया पे आ चुकी है। मैं इसके नीचे से क्रॉप ऑफ ऑफ कर देता हूँ, मेरे पास ये शेप ऐसे नजर आ रही है। ठीक है, अगेन मैं अपने एस्टोमेटिक व्यू पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, इसके लिए 1 इंच का ही, मैंने 1 इंच का सर्कल ड्रॉ कर दिया है। मैं एलाइन के ऊपर जाऊंगा, इसकी मैं एलाइन जो है जेड एक्सिस पे ले आता हूँ, मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है, और मैं इसको ये पॉइंट देकर मैं इसको सीधा 90 के ऊपर ले आता हूँ। 90 के ऊपर आप इसे लाएं, अब आप इसे मूव करें, इसके मिडल पॉइंट से आप इसको मूव करेंगे, और अपने इस एरिया तक यहाँ पे लाकर क्लिक कर दें। ठीक है, अब इसे EXT एक्सट्रूड लगा दें, सिलेक्शन दें, एंटर, और पाथ के लिए आपको P इंटर कर देना होगा, क्योंकि मुझको इसको पाथ दे देनी है। अब जैसे मैंने इसको पाथ दी, स्टूडेंट्स देखें मेरी जितनी भी रेलिंग थी तमाम के ऊपर ये पाथ निकल कर चली गई आगे की तरफ। ठीक है, अगेन आपको ये नीचे की तरफ चाहिए, आप इसको COC लगा दें, सिलेक्शन दे दें, इसे एंटर कर डालें। मैं इसके नीचे तकरीबन 1 फिट के फासले पे एक लेना चाहूंगा, फिर इसके नीचे तकरीबन 2 फिट के फासले पे एक को लेना चाहूंगा, तो इस तरह से भी ये दो इसके अंदर ले डाली। अब देखिए आपके पास ये बिल्कुल, हाँ जो दूसरी बनाई थी बेसिकली वो कॉपी ठीक नहीं हुई, तो उनको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये आपके पास आ चुकी है। ठीक है, ये रही सही, ये आपके पास परफेक्ट, अगेन मैं इसको कॉपी नीचे कर लेता हूँ, इधर आ जाए यहाँ पे, फिर मैं इधर आ जाता हूँ, और ये में से कहीं भी कॉपी एक ले लेता हूँ, ये आपके पास आ गया। ठीक है, COC पे चले जाएं आप, आपने ये सिलेक्शन दे दी है, एंटर कर दें, इसे एक बेस पॉइंट बना दें। अब शिफ्ट एट द रेट, एक्स की पर आपने कॉपी नहीं करना, वाई की पर कॉपी नहीं करना, माइनस जो है इससे आप तकरीबन 1 फिट की वैल्यू दे दें, तो क्या होगा, ना तो एक्स की पर जाएगा ना वाई की पर जाएगा, माइनस एक्स की पर ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप देख लें, ये देखा आपके पास प्लस नजर आ गया। तो ये अगर आप इसके पर रेलिंग लगाएंगे तो सिंपली इसकी रेलिंग लगाने का तरीका ये होगा आपके पास। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, सही डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो था मेरे पास राउंड का, लेकिन अब मसला ये है कि अगर मेरे पास जो दूसरी जो है, जो मेरी स्टेयर्स हैं उनके ऊपर मैं कैसे लगाऊंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो स्टेयर है इसके ऊपर मैंने रेलिंग कैसे लगानी है, समथिंग लाइक दिस, दूसरी के ऊपर मैंने कैसे लगानी है, तो उसका मेरे पास सही तरीके कार क्या होगा, उसके लिए भी आप इधर चले जाएं इनके पास। बिल्कुल ये बड़ा इजी काम होता है इनके ऊपर रेलिंग लगाना, आप सिंपली अपनी एक रेल बना डालें या आप डिजाइन बनाना चाहें, वट एवर यू लाइक,
ext एक्सट्रूड कर दें, सिलेक्शन दे दें, और इसको भी आप तकरीबन 3 फिट्स की हाइट दे दें। मैं गिने से मूव कर देता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन दी मैंने, इसको मूव कर दिया और एक पॉइंट को बनाऊंगा मैं। मैंने इसको मिडिल से पिक किया और सीधा अपने ऑब्जेक्ट के मिडिल तक ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके इधर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आप इधर आ जाएं, यहाँ पे अगेन पीछे की तरफ निकल जाएं। मैं इसे मूव कर देता हूँ, सिलेक्शन दी और थोड़ा सा पीछे, और अगेन आप इसे मूव कर देंगे यहाँ से थोड़ा सा और पीछे की जानब, आपने इसको ये भी दे दिया। अब आप इसे कॉपी करें, सी ओ कॉपी आप कर लें, सिलेक्शन दें, एंटर करें। अब आप पाथ ये बना लें, ये वाली। इसका फ़ायदा क्या होगा पाथ का, ऊपर आप जिधर जिधर क्लिक करते जाएंगे, देखें ऊपर जस्ट आप उस पाथ पे क्लिक करते जाएं, जहां पर भी आपके पास है। अगर आप आगे पीछे भी हो जाते हैं कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको क्लिक कर देना है अपने टारगेट पे। ये देखें, ये मैं से एक एक को क्लिक कर देता हूँ टारगेट पे, ये इस तरह से माउस। बस इसके लिए आपके पास 3D माउस का होना बहुत ज़रूरी है। एक एक को क्लिक कर दें और यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। अब इधर रुक जाएं आप, रुक के अब इसको यहाँ से आगे आपको कैसे लेकर जाना होगा, अगेन इसको आपको कॉपी कर देना होगा। आप इसे कॉपी कर दें, इसे मैंने इसको कॉपी किया, सिलेक्शन दे देता हूँ, ये पॉइंट दिया। अब आगे की तरफ आपने इसको लेकर जाना है, F8 प्रेस कर दें, ये सीधा रहे आपके पास। मैं इसको आगे की तरफ कितना लेकर जाना चाहूँगा, मैं इसको तकरीबन 7 इंच में इसको आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है। और आगे 14 इंच 7 और 7, 14 14 और 7 21, आप इसको बस टाइप करते जाएं, 21 इंच, 21 में 7 प्लस कर दें आपके पास 28 इंच, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको दूसरी तरफ को मूव कर लेते हैं, अगेन मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे। और ये मुख्तलिफ मेथड है, आप तो फिर इसका सेंटर पॉइंट दे दिया और इस तरफ आ जाएं जहाँ से आपको बेहतर दिखाई दे। मैं इसके अंदर आ गया, मेरा माउस आगे की जानब है, अगेन मैंने इसको 7 इंच, 7 में 7 प्लस कर दें आपके पास 14 इंच, 14 और 7 21 इंच, 21 और 7 28 इंच, 28 इंच, और इसके बाद मैं इसको सीधा इधर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सीधा इधर क्लिक कर दिया है, ठीक है। और मैं इसकी कॉपी मूव करूंगा, इसको अपनी तरफ मैं इसको मूव की ऑप्शन लगा देता हूँ, आप मूव पे आ जाएं, सिलेक्शन दे दें और इसको एक आगे की तरफ क्लिक, मैं दूसरी तरफ से मूव करूंगा। अब अपने आप को रोटेट कर लें, आपको मालूम होना चाहिए कि आप इसको कहाँ से कर रहे हैं, ये आपके पास आ गया है, ये रहा, ठीक है, ये वाला आपके पास शेप है। अब आप इसको मूव करें यहाँ पे, एम सिलेक्शन दें, इसको उठाकर सीधा इधर लें सेंटर पे, और अगेन इसको यहाँ से मूव कर दें इसके आगे वाले सेंटर पॉइंट तक, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये जो इस तरफ कोक जा रही है, एक और आप लगाना चाहेंगे, इसे कॉपी कर लें, सिलेक्शन दे दें ऊपर वाले, ये जो आपके पास रेलिंग है सिलेक्शन में देना चाहूँगा, एक लेके इधर दूसरा यहाँ पे, आपके पास सिलेक्शन हो चुकी है। मिडिल पर आएँ, अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाएँ और इसको अगेन 7 के ऊपर लेकर आप चले जाएँ, ये आपके पास आ गया, ठीक है। कॉपी, अगेन एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, इंटर। अब आपके पास ये इधर प्लस पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आप इसका पॉइंट डाले कॉपी का, ये रहा, तो ये मैंने इसको पॉइंट बना डाला यहाँ पे एक कॉर्नर को, ठीक है। अब सेम टू सेम आपको यही कॉर्नर आगे क्लिक कर देने हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था पहले वाले लेसन, पहले वाले स्टेप के अंदर। तो एक एक स्टेप को आप क्लिक करते जाएंगे आगे तरफ यहाँ पे, और ये रहा, ठीक है, आपके पास ये अब मुकम्मल हो चुका है। मैं इसको शिफ्ट के थ्रू दूसरी तरफ मूव कर देता हूँ, मेरे पास ये आ चुका है। अब वही बात है, मुझको फिर दूसरी तरफ भी ये शेप चाहिए। अब मैं दूसरी तरफ ये शेप कैसे लूंगा, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मिरर। आप MI यूज करें मिरर के लिए, ये जितने भी ऊपर टॉप टॉप पे आपने लगाए हैं इनको आप सिलेक्शन दे दें, ये मैंने इनको सिलेक्शन दे डाली, ठीक है। सिलेक्शन देने के बाद आप इंटर कर दें, इंटर कर दिया, एक पॉइंट ये बनाए और दूसरा पॉइंट आप इस तरफ को बना लें, इंटर कर दें, तो देखें आपके पास ये दूसरी जानब भी परफेक्ट जगह पर आ जाएगा आपके पास, सही है। इसके ऊपर हम रेलिंग लगा लेते हैं, अगेन आप इधर आ जाएं यहाँ पे इसके टॉप व्यू पे, आपको टॉप व्यू पे इसको जाना होगा जहाँ से आपको ये बेहतर दिखाई दे, ठीक है। मुझको अब यहाँ से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है और करीब हो जाएं इसके,
और इसको बेहतर ये है कि आप इसको 2D वायर फ्रेम में ले जाएं, इसको 2D वायर फ्रेम में ले आया हूँ यहाँ पे, और अगेन 3D पॉलीलाइन आपने यूज करनी है, और 3D पॉलीलाइन के ऊपर आ जाए आप यहाँ पे, ये देखिए इसके टॉप पे क्लिक कर देने प्लस पॉइंट पे, फिर आगे वाले ऑब्जेक्ट के प्लस पॉइंट पे, तो सो ऑन। एक एक पे क्लिक करने से आपको ये बेहतरी होती है कि आपकी जो लाइन की डायरेक्शन है वो बिल्कुल आपके पॉइंट्स के मुताबिक निकलती जाती है आगे। जब बिल्कुल सीधा हो तो आप आगे निकल सकते हैं ज्यादा तक, ये देखिए ये निकला मैं आगे, और इसको आप क्लिक करते हैं, क्लिक 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 क्लिक, ये रहा आपका क्लिक और ये रहा आपका क्लिक, एंटर कर डाले, वापस पीछे की तरफ निकला है। डी स्टूडेंट्स, हमारा लेसन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि लेसन के अंदर तमाम टिप्स इसके 1 इंच ये दे दें आप इसे, अगेन आप इसको 90 के एंगल पर लेकर आ जाए, या आप कोई भी शेप आप बनाना चाहें वो आप तक है। मैंने आपको ऑलरेडी इस एक लेसन के अंदर बताया था कि कोई आप डिजाइन बनाएंगे तो उसको आपको कैसे बनाना होगा। मैं इसको 90 के पर ले आता हूँ और मूव कर देता हूँ यहाँ से, मैंने इसको मूव किया, ऑब्जेक्ट को आप मूव करें, सिलेक्शन दें इसे, सिलेक्शन दी और मैं इसको पिक कर देता हूँ इस पॉइंट से, और यहाँ पर आप क्लिक कर डालें इसे, यहाँ पर क्लिक किया, EXT एक्सट्रूड पे चले जाएं आप, इसको एंटर, पी एंटर कर दें पाथ के लिए, और जस्ट पाथ के ऊपर आप क्लिक कर डालें। जैसे मैंने पाथ के ऊपर क्लिक किया तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बिल्कुल हमारी जो रेलिंग है वो हमारे बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पर आ चुकी है। मैं अगेन आपको इसके शेड व्यू के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, मैं शेड व्यू के ऊपर आपको लेकर चला गया हूँ, देखें ये रही, ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है यहाँ पे, सही ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन जिसके अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेयर्स वगैरह बनाना बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं, बस सिर्फ सिर्फ एक बात की है डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप्स हर एक की करनी है। जब आप हर एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजिली तो आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, मजीद मालूम और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, कॉल करें, कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343-901-7779 या xpacademy@ या आप हमें मेल करें xpacademy@ybel.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है xpacademy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है xpacademy। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।